अब आपको सीधे हम उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, जहां इन्वेस्टर्स समिट की थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। और इसमें आज आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, समाप्त किए डिजिटल सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्लेटफॉर्म, निवेश मित्र के रूप में 29 विभागों की 349 सेवाएं आज इन्वेस्टर्स को यूपी में ऑनलाइन प्राप्त हो सकती हैं। मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन करने के 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने का प्रावधान भी हम लोगों ने इस व्यवस्था के साथ लागू किया। और साथ ही साथ प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर जो निवेश फ्रेंडली माहौल बनाने, कानून व्यवस्था को बेहतर करने, परंपरागत उद्यम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में मदद करने में भी सफलता प्राप्त की। और केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की उन योजनाओं से जो आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करती हैं, 60,00,000 ऐसे हमने परंपरागत उद्यमियों को भी इस योजना के साथ जोड़ा, तो 5,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई। और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह 18% से घटकर के 2.9% रह गई है। प्रदेश में प्रमुख उत्पादन एवं निर्यात केंद्रों का निर्बाध कनेक्टिविटी की दिशा से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नवंबर 2021 में संपन्न हो चुका है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो आजादी के बाद से विकास और जल के लिए तरसता था, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर के 2 प्रमुख नोड बुंदेलखंड में झांसी और चित्रकूट में बन रहा है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी इस जून के अंत तक बनकर के तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना के माध्यम से भी प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के कार्यक्रम को भी युद्ध स्तर पर हम आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ ही उत्तर प्रदेश वर्तमान में 5 एक्सप्रेसवे के साथ कार्य कर रहा है, जिनमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या के संचालन होने पर आगामी कुछ वर्षों में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के तहत वाराणसी से हल्दिया सेक्शन वर्तमान में संचालित है, और उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी 6 नोड्स विकसित किए जा रहे हैं। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की इकाई तथा झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की इकाई स्थापित की जा रही है। आरआरटीएस का निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली मेरठ के बीच में प्रगति पर है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के माध्यम से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार निवेशकर्ताओं को हर संभव सहयोग और सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज का यह ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के इस अभियान में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आज स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर उपस्थित हुए हैं।